मुझे तो लगता है कि जो भी फैसला हो, ये फैसला जल्द से जल्द आने की तो उम्मीद है, क्योंकि मुझे से 15 मिनट की ये मीटिंग थी और हमारे प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन साहब शुरुआती तौर पे ही मुझे प्रिविलेज कमेटी के सामने एक साक्षक के रूप में, एक साक्षक के रूप में बुलाने की सारे जो कारण थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। तो मुझे तो पता चल गया कि मुझे किस विषय पे बुलाया गया। तो जब मुझे अपना पक्ष रखने की मौका हमारे चेयरमैन साहब ने दी, तो मैं मेरी तरफ से जितना हो सके स्पष्टीकरण करने की भरसक प्रयास किए और मेरा ये उपलब्धि यही है कि शायद ये सस्पेंशन रद्द करने की दिशा पे ही हमारे जो कमेटी है, कमेटी सोच रहे हैं, मतलब प्रिविलेज कमेटी सोच रहे हैं। फिर भी आप जानते हैं कि प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग की शुरुआती तौर पे ही हमारे प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन साहब ने ये नसीहत दिए थे कि अंदर की बात बाहर ना जाए, और मैं कमेटी के नियमों के मुताबिक अंदर में जो जो बात हुई वो बाहर में उजागर करने की स्थिति में नहीं हूँ। जो फैसला हमारे प्रिविलेज कमेटी के लिए हैं, सारे प्रस्ताव के रूप में स्पीकर साहब को भेजे जाएंगे और अंतिम निर्णय तो स्पीकर साहब के हाथ में ही होंगे। तो उम्मीद तो है कि जल्द से जल्द ये जो सस्पेंशन ये रद्द हो या ना हो ये पता चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।